मेरा अगला सवाल आपसे यह है, आपने बताया कि जिससे है सबसे बातचीत कर लूंगा, अगर राजस्थान सरकार हो, कोर हो, बहुत सारी एफआईआर आप पर है। ये बताइए कि जब पिछली बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले बार की थी, स्वामी जी ईमानदारी से बताइएगा, और मुझे पता है कि आप सच बताएंगे, पिछली बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद अगले ही दिन आयुष मंत्रालय की तरफ से बयान आ गया, फिर आयुष मंत्री ने खुद बातचीत की और वो कहने लगे कि नहीं अभी तो इसकी इजाजत नहीं मिल सकती है, फिर ये फिर खबर आई कि हो सकता है दवा बाजार में ही नहीं जा पाए, एडवर्टाइजमेंट पर रोक लग गई है। ये आपने पिछले 2-3 दिन में कौन सा मैनेजमेंट किया, कोविड मैनेजमेंट की तो आप दवा ला रहे हैं, यहाँ सरकार के साथ कौन सा मैनेजमेंट किया कि अब दवा में आपकी पहुंच गई है दुकान पर? देखो कोई मैनेजमेंट नहीं है मेरी माता जी, मेरी बहन जी, मैं एक सीधा साधा फकीर हूँ, बस थोड़ा बेबाक बोलता हूँ, उस अब लोगों को वही मेरी बेबाकी भी पसंद नहीं आती, सच कह देता हूँ, लुका छिपी आती नहीं है और किसी भी तरह से कोई हिडन एजेंडा नहीं है, मैंने खाली काम किया है और मैं लोगों का भला चाहता हूँ, इसमें किसी भी तरह का कोई मैनेजमेंट नहीं है। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई पीएमओ में बात नहीं की है, कोई अमित शाह जी के यहाँ होम मिनिस्ट्री में बात नहीं की है, किसी बड़े मंत्री से मैंने बात नहीं की है। हाँ इतनी बात जरूर है कि हमने आयुष मंत्रालय से जरूर बात की, भाई हमने तो कोई गुनाह नहीं किया है, और आयुष मंत्रालय वालों ने हमारी बात सुनी कि उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप प्योर शब्द मत बोलिए, बाकी आप जो कर रहे हैं जो कह रहे हैं आप करते रहिए। तो उन्होंने मैनेजमेंट शब्द बोला, उन्होंने जो है मैंने कहा हमने जो डेटा बोला कि उसमें नेगेटिव हो गए उनका, और बाकी शब्द कितने मैंने बोल दिए वो ठीक हो गए, क्या करें अब, ये इतनी बात हमने उनकी एक क्योर शब्द वाली हमने भी उनकी मान ली, बाकी उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपनी जो भी आपने लाइसेंस ले रखा है, क्योंकि लाइसेंस की का प्रोसेस, उसका मैन्युफैक्चरिंग का, उसका जो है सेल का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का एक अलग प्रोसेस है, और ये क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का और जो रिसर्च हुए उसका एक अलग प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस को हमने फॉलो किया, इसलिए इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। मैं अंग्रेजी में बोलूं तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, और मैं भगवान का विधान और देश का कानून और संविधान दोनों को मानता हूं, इसलिए बिंदास रहता हूं और आगे भी ऐसे ही काम करता रहूंगा, चाहे लाख मुझे लोग गालियां दें, चाहे कितनी मेरी आलोचना करें। अंजना जी मैं इस धरती पर आने से पहले माँ के पेट में था, तब भी हमसे बैर रखने वाले लोगों ने मेरी माँ के पेट में लात मारी थी, मैं लात भूसों के बीच में पैदा हूँ, जो लोग मेरे ऊपर ईंट और पत्थर फेंक रहे हैं उन्हीं की सीढ़ियां बन करके अपने सोपान मैंने चढ़े और आगे भी चढ़ता रहूंगा। ठीक है, मेरा एक सवाल आपसे जो है वो ये है कि स्वामी जी देखिए, एक दवा आपने बनाई, पूरा विश्व एक दवा खोजने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में एक सवाल यह आएगा कि क्या साइंटिफिक वर्ल्ड जो है, जो पूरी दुनिया है इंटरनेशनली, क्या वो एक आयुर्वेदिक दवा को इस तरह से कोविड के मैनेजमेंट की ही दवा आप कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसके रूप में स्वीकारेगी? आपने तो इससे पहले भी बड़े डिजाइनर्स के साथ फ्रांस में काम वाम किया है, तो क्या आपको लगता है कि ऑर्गेनिक के क्षेत्र में, तो क्या आपको लगता है कि ये दवा भी हिंदुस्तान के लिए इसी तरह से अलग अलग जगहों पर या साइंटिफिक वर्ल्ड के सामने ले जाने को आप तैयार हैं? मल्टी सेंटर्ड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल अब इसके बाद शुरू होंगे, एडवांस लेवल के पेशेंट्स के ऊपर भी हम ट्रायल करेंगे, तो कोई कसर नहीं छोड़ रखी है, जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, एनिमल ट्रायल भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, तो कोई कसर नहीं छोड़ रखी है, अभी तो महीने भर बाद और सुनेंगे कोरोना के बारे में तो और चौंकेंगे, और चौंकने दो इनको, मैं आपको एक ही बात कह रही पूरी दुनिया में कोरोना से लेकर के और तमाम आयुर्वेद के गौरव को बढ़ाएंगे, एक एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बेस्ड मेडिसिनल सिस्टम के तौर के ऊपर हम आयुर्वेद को स्थापित करेंगे, यही सपना नरेंद्र मोदी जी का था जब वो बीआरआई के उद्घाटन के लिए आए थे, आज यही सपना हमारा है और हम इसको किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे। जब वो बीआरआई के उद्घाटन के लिए आए थे, आज यही सपना हमारा है और हम इसको किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे।